पहले तो सबको नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, आज के प्रेस वार्ता में मैं पहले हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट विजय पटनायक जी, हमारे मीडिया के प्रभारी विश्वरंजन मोहंती जी, सबको और आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक सामाजिक कार्यक्रम है इसके बाद अन्ना प्रसन्ना का, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पर्सनली कि एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, प्रसाद हम लोग बांटेंगे, आप उसमें शामिल हो जाइए प्लीज़। बीजेडी और बीजेपी के शादी के बाद 10 बच्चे पैदा हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी तरीके से जो है हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 10 पीपल, मतलब एक क्रिकेट टीम और एक एक्स्ट्रा, 12 लोग की जो है टीम उतर गई है मैदान में। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि बीजेपी और बीजेडी के शादी के बाद इतने जल्दी 10 बच्चे लोग आ गए, और 10 बच्चे लोग का नाम जो है पहले बता देता हूं, उसके बाद डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पहला सबसे बड़ा बच्चा जो है, जो पहले आया था डिलीवरी में, वो चिट फंड स्कैम बेबी है। चिट फंड स्कैम बेबी पहला बच्चा का नाम। दूसरा बच्चे का नाम है माइनिंग स्कैम बेबी। फिर एक और बेबी आया जो पहले जो है जैसे पैदा हुआ तो नर्स वर्स को छेड़खानी करने लगा, उसका नाम है गुंडा बेबी। गुंडा बेबी जो पैदा ही होने के बाद तुरंत जो है अपना हाथ पैर चलाने लगा डिलीवरी रूम में ही, उसका नाम है गुंडा बेबी, जो छेड़खानी करता है महिलाओं का, क्राइम करता है वुमेन का। फिर चौथा बेबी का नाम है मास्क स्कैम बेबी। लेकिन मास्क स्कैम बेबी एक इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चा जो है पैदा होते उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक था, क्योंकि उसने कहा कि हमने हॉकी स्टिक स्कैम भी किया है। तो मास्क बेबी के हाथ में जब पैदा हुआ था एक हॉकी स्टिक भी था, क्योंकि दोनों स्कैम थे, एक मास्क स्कैम था, एक हॉकी स्कैम था, आपको याद होगा। पांचवा बेबी का नाम है तमिल बेबी। तमिलियन बेबी था एक आया था, उसका नामकरण तो आप जानते ही हो, सर्वा पांडे नाम लोग सोच रहे करने के लिए अभी तक नामकरण, लेकिन तमिल बेबी है। सिक्स्थ लैंड ग्रैबिंग बेबी, उसमें वेदांता वेदांता सबके जो है जो है टैटू मार्क्स है, जितने भी जमीन जो है ट्राइबल लोग का जमीन का जो कब्जा किया ये बड़े बड़े कंपनी, तो बच्चे के शरीर में जो भी माइंड ग्रैब लैंड ग्रैबर है उसका टैटू नाम आ गया है, तो उनका नाम भी हम बता देंगे आगे, लेकिन बच्चे के शरीर पर ही जो है माइनिंग कंपनी का नाम था। उसने कहा कि हमने, ये बच्चा ने आदिवासी जमीन को कब्जा कर लिया, 2 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 80 विलेज को खाली करा दिया, सब लिखा हुआ है बेबी के ऊपर टैटू में। सेवेंथ बेबी है बीजेपी और बीजेडी का जॉब जुमला बेबी, नौकरी हम देने वाले हैं बेबी। जैसे ही पैदा हुआ बोलने लगा कि यार चिंता मत करो नौकरी हो जाएगी, नर्स को नौकरी देने लगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो बेबी जो है नर्स को, एक डॉक्टर को बोला कि चिंता मत कर तुमको नौकरी हम दिलवा देंगे। तो यह है जॉब जुमला बेबी। फिर एक और छोटा बेबी आया, एट्थ बेबी, थोड़ा छोटा था जॉब जुमला से। हमने कहा कि भाई साहब तू क्या कौन है, बोले कि हम गवर्नमेंट जॉब जुमला बेबी, क्योंकि मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है, तो वो मोटा था। ये गवर्नमेंट जॉब बेबी जो है पतला दुबला है, 2 लाख सरकारी पोस्ट खाली है, तो गवर्नमेंट जॉब बेबी थोड़ा सा छोटा है। फिर एक और बच्चा आया जो जैसे ही नर्स ने उसको छुआ तो उसको करंट लग गया, वो पावर बिल स्कैम बेबी है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो बच्चे को जो है, क्योंकि उसका अर्थिंग वर्थिंग बढ़िया से नहीं हुआ था, पावर स्कैम बेबी है, मतलब 100 रुपए का बिल
टाटा पावर उसको 10,000 बना रहा है और ओडिशा के जनता को परेशान कर रहा है। लास्ट में मोटा मोटा ताजा हट्टा कट्टा बेबी था इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज बेबी, मतलब महंगाई बेबी, महंगाई की बेबी या महंगा बेबी जो भी आप बोलना चाहते हो। तो ये 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे का 10 बच्चे हैं और 10 के आज विजय पटनायक जी द्वारा पूरा आज का जो कार्यक्रम का पंडित जी विजय पटनायक जी अन्न प्रसन्न वही करेंगे। मैं आपको सिर्फ दो तीन बातें बताना चाहूंगा। चिट फंड बेबी का 2,000 करोड़ जो है पूरी तरह से खाकर बेबी मस्त है। ओडिशा का 60 लाख लोग का जो है चूना पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद चिट फंड बेबी जो है पूरा जो है 2,000 करोड़ खाने के बाद पूरा लाल गोरा बेबी है। और ओडिशा जितना 60 लाख परिवार जो है दुबला पतला है क्योंकि पूरी तरह से लुटा गया है। तो बेबी मोटा और ओडिया जनता जो है दुबला पतला, 60 लाख परिवार जो है एकदम बर्बाद। माइनिंग स्कैम बेबी जो है वो तो गुरु है, वो 9 लाख करोड़ खा गया। माइनिंग स्कैम बेबी 9 लाख करोड़ खा गया। अभी तक बीजेडी और बीजेपी के साथ गांठ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। 176 कंपनीज थे फॉरेस्ट लैंड में, उसमें से 98 ने परमिशन ही नहीं लिया फॉरेस्ट के लिए। 98, ये डेटा थोड़ा सा दे रहा हूं आपको, बाद में दे दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेबी तो देख लो, ओडिशा के 34% लोग ग्रामीण क्षेत्र में ओडिशा छोड़ देते हैं, 34%। ये जॉब जुमला बेबी जो है बहुत ही खतरनाक बेबी है। जॉब जुमला बेबी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेबी बहुत ही खतरनाक है। ओडिशा के 34% लोग जो है यहां से छोड़ के चले गए। गवर्नमेंट जॉब बेबी जो है, गवर्नमेंट स्कैम बेबी जो है, ओडिशा में 98,000 जॉब्स वेकेंट है। 98,000 का मतलब एक परिवार में 5 आदमी, 1,00,000 × 5, तो कम से कम 5 लाख लोग, 5 लाख लोग तो इस ओडिशा में आराम से रोजी रोटी चला लेते हैं। उसके बाद कितने लोगों को बाकी फायदा मिलता। नवीन पटनायक ने जो है पिछले 23 साल में जो है 1,00,000 पद को नहीं भरा। तमिल कॉन्ट्रैक्ट वाला बेबी, तो तमिल बेबी को तो आप जानते ही, तमिल बेबी तो आजकल दिल्ली में भी घूम रहे हैं, कभी दिल्ली जाते हैं कभी। तमिल बेबी पहले से ही मोबाइल रहा, जैसे ही पैदा हुआ है वो सीधा जाकर अमित शाह के गोदी में बैठ गया। तमिल बेबी बॉर्न हुआ हॉस्पिटल में और सीधा जो है अमित शाह वहां पर डिलीवरी रूम में था, उसके गोदी में आकर बैठ गया। तमिल बेबी अमित शाह के गोदी में। इलेक्ट्रिसिटी स्कैम बेबी के बारे में एक ही चीज जानना चाहूंगा। ओडिशा बीजेडी सरकार ने कहा कि हमने 20,000 करोड़ बिजली के नेटवर्क बनाने के लिए खर्च किया है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 20,000 करोड़। टाटा पावर कह रही है कि हमने सिर्फ 5,000 करोड़ खर्च किया। तो ये 15,000 करोड़ कौन खाया? तमिल कॉन्ट्रैक्टर ने खाया, नवीन जी ने खाया। नवीन जी बताएंगे, नवीन जी बोलते हैं हम बहुत ईमानदार है। कहां ईमानदार है आप बताओ? नवीन जी ने 9 लाख करोड़ खा लिया, 2,000 करोड़ का जो है 20,000 करोड़ का चिट स्कैम है, 20,000 का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड करके 5,000 करोड़ करके। तो नवीन पटनायक हिमसेल्फ इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर, विच इज अ स्टोरी विच इज बीइंग परपेचुएटेड इन ओडिशा, की बहुत ईमानदार है। आप बताओ कि अगर आप चोरी करोगे और बोलो कि हम ईमानदार हैं, नहीं उसने चोरी किया मेरे घर में, उसने चोरी किया, अरे ये तमाशा है, 23 साल से ओडिशा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तमिलियन अगर चोरी कर रहा है तो कौन उसका कैप्टन है? ये बच्चे का जो कैप्टन वाइस कैप्टन, एक तो नरेंद्र मोदी है, वाइस कैप्टन कौन है? नवीन पटनायक ना। इस क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, अगर नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी दोनों कैप्टनशिप इंटरचेंज कर रहे हैं ना,
वी आर टेलिंग यू दैट नवीन पटनायक जी का जो ईमानदारी की कहानी, जो ढोंग जो है, इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द पीपल। अगर 2 लाख आदिवासी का जमीन हटा करके प्राइवेट कंपनी को दिया तो कौन जिम्मेदार है? नवीन पटनायक एंड पांड्यन एंड अमित शाह। 80 गांव को खाली कर दिया, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल लोगों को मैं बता रहा हूं कि जगो, यहां पर पैसा कानून अभी भी लागू नहीं है पूरी तरह से। हमारे झारखंड में पैसा लागू है, कोई नहीं आदिवासी का जमीन ले सकता है। यहां पर आदिवासी को तो जो है आप फुटपाथ जैसे, कोई फुटपाथ का हॉकर जैसे करा दिया है। हमारे झारखंड में देर इज अ पैसा, यू कैन नॉट टच द आदिवासी लैंड इन झारखंड। एंड जहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा आदिवासी इंडिया में है, वो उस स्टेट में नवीन पटनायक ने 2 लाख आदिवासी को वेदांत और वैसे कंपनी के नाम पर खाली करा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? लेना पड़ेगा ना। प्राइस राइस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सरसों तेल इतनी महंगी हो गई कि खाने पर तो हमने हटा दिया, अब कान में डालने लायक छोड़ दिया। सरसों तेल अब खाने के प्लेट में नहीं है, सिर्फ कान में डालो। मोदी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कान में डालने लायक है हमारे पास, हमारे पास और पैसे नहीं है। सरसों तेल में हम पहले मछली वछली खाते थे ना, बंद। अब वाइफ बोलती है कि इतना ही लीजिए, कान में डालने लायक रखिए। यह स्थिति हो गई हम लोग की। विमेन जो गुंडा बेबी है, लगातार जैसे ही पैदा हुआ वो महिला लोग का छेड़खानी करना शुरू कर दिया। हाइएस्ट क्राइम इन इंडिया ऑन विमेन इज इन ओडिशा, जिस स्टेट में इतने अच्छे लोग हैं, क्योंकि पुलिस तंत्र जो है काम नहीं करी है, वो पॉलिटिकल काम कर रही है। पुलिस जो है महिला की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो बीजेडी और पांडियन जी और नवीन जी को सत्ता में रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ऑल द आईपीएस ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स हैव बिकम द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेडी, जैसे ईडी सीबीआई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कल आपको मालूम होगा नवीन पटनायक की जो है काले करतूत हैं। हाउ मच ऑफ मनी दे हैव टेकन फ्रॉम माइनिंग कंपनी, द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड फॉर अ रीजनल पार्टी इज बीजू जनता दल। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, कल निकालिए लिस्ट और कनेक्शन कीजिए, पांडियन का कनेक्शन, नवीन बाबू का कनेक्शन, कौन सा माइन से कितना पैसा मिला, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर से। कल जब नाम आएंगे ना, सब शेल कंपनी का नाम होगा। बट मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी जांच करके नवीन पटनायक का जो नाटक है मुखौटा उखाड़ देंगे। दिस इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स फ्रॉम करप्ट माइनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैव कम टू द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द भारतीय बीजू जनता दल। अभी तो ये ट्रेलर है, रोज एक हफ्ते बाद हम अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बताएंगे कि नवीन पटनायक ने कहां कहां पैसा बनाया और क्यों ओडिशा इस देश के सबसे गरीब स्टेट है। प्लीज रिमेंबर द मैक्सिमम इलेक्ट्रोल बॉन्ड टू अ रीजनल पार्टी इज बीजेडी एंड ऑल इलेक्ट्रोल बॉन्ड विल बी अ शेल कंपनी। बट नवीन बाबू, हम लोग भी तेज हैं, उस शेल कंपनी का मालिक कौन है वो तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में तो ऑनलाइन मिल जाएगा। यू विल सी द एक्चुअल एक्सपोजर ऑफ मिस्टर नवीन पटनायक इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री, जिन्होंने ओडिशा का फ्यूचर माइनिंग और कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया। ट्राइबल लैंड के बारे में हमने कह दिया, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हमने कह दिया, हमारा इतना ही कहना है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूज देंगे, ये दस बच्चे को हम पूरे ओडिशा ले जाएंगे, आप देखेंगे पूरा ओडिशा में घुमाएंगे। हमारा इतना ही कहना है, ये भ्रम छोड़ दीजिए, ये मिथ खत्म कीजिएगा कि नवीन पटनायक एंड बीजेडी हैव इवन 0.1% ऑफ ऑनेस्टी। इट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। When you're making 9 lakh crores in mining scam, when you're making 20,000 crores, when you're taking money from all the thieves of India, आप किस हैसियत से बोलते हो कि हम ईमानदार हैं? और सिर्फ ये पांडियन का काम नहीं है,
यह अश्विनी वैष्णव का काम नहीं है, अमित शाह का काम नहीं है, नवीन बाबू भी हैं। परसों एक और कार्यक्रम होगा उसके बारे में, परसों फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सवाल हम ले लेंगे, उसके बाद विश्व रंजन जी आपको ब्रीफ करेंगे टीवी में अलग से। एक कमेटी हम बना रहे हैं, एक हत्या हुई है उस कमेटी के बारे में विश्व रंजन जी अलग से आप लोगों को ब्रीफ कर लेंगे। ओके विश्व रंजन, यू विल ब्रीफ द मोदी नो आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनी क्वेश्चन? सो आई वॉन्ट टू फिनिश ऑफ। ओके आई अनाउंस द कमिटी। देयर वॉज अ मर्डर, एक कालिंदी मलिक जी एक स्केड्यूल कास्ट व्यक्ति का हत्या हुई की गई स्वप्नेशपुर गांव में, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, बीजेडी के सरपंच द्वारा। द पीसीसी प्रेसिडेंट हैज क्रिएटेड, उन्होंने एक हाई लेवल डेलीगेशन बनाया है, हमारा पूर्व पीसीसी प्रसाद सर उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके मेंबर्स हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बंकी निधि जी हैं और मनोज राउत जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। ये टीम आज जाजपुर जिला जाकर के एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के रूप में और रिपोर्ट जो है पीसीसी को सबमिट करेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। एक छोटा सा वीडियो अगर आपकी अनुमति है तो छोटा वीडियो हम दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच।